मित्रों, परसों दोपहर को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का परिणाम घोषित किया गया। इसमें चयनित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और खास तौर से आदित्य श्रीवास्तव जी को इस एग्जाम को टॉप करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मित्रों, जैसा कि सोशल मीडिया का युग है, तो हमें लोगों की सफलता असफलता ये सब फेसबुक पोस्ट, इंस्टा पोस्ट या ट्विटर पोस्ट से देखने को मिल जाती है। मित्रों, बहुत सारी सफलता से जुड़ी पोस्ट देखने के बाद मुझे एक संघर्ष और परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलने की चीखें बयां करती हुई एक पोस्ट मिली, जो मुझे लगा आपके बीच शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, यह एक पोस्ट है एक कैंडिडेट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 12 अटेम्प्ट यूपीएससी का एग्जाम दिए हैं, जिसमें 7 बार उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया और 5 बार इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और नीचे वो लिखते हैं कि शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस पर मुझे कुंवर नारायण जी की पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा था कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हार ना मानने में। देखिए, जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत करता है और फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो उस तकलीफ को उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। हम, आप और सिर्फ हम उसे सांत्वना दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहना और अंत तक हार न मानना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, जो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।